विकास डीजे ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए एक स्टेंजर का मिक्सर, जिसका मॉडल SM120E। तो ये मिक्सर बहुत अच्छा मिक्सर है, जो कि डीजे लाइन में सबसे बेस्ट मिक्सर माना जाता है, और कोई ऐसा डीजे वाला नहीं होगा जो इस मिक्सर को न चलाया हो, इस मिक्सर को न यूज किया हो दो चार दिन। तो लगभग सभी डीजे वाले चलाए होंगे, यूपी बिहार में खास करके सब फेवरेट है सभी डीजे वालों का, सबके पास ये मिक्सर पड़ा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, विशेषता जैसे कि EQ के बारे में और इसका कुछ सेटिंग। नए डीजे वाले भाई अभी नहीं जानते हैं, जो नई न्यू अभी डीजे खोले हैं तो उनके लिए वीडियो है। तो इसका जैसे मैं हम आपको बता दें कि 12 चैनल का मिक्सर है। जैसे हम देखिए, ये एक माइक दो माइक ऐसे करके 12 माइक का है, ये नीचे वाला जिस पे लिखा है देखिए माइक, और ये लाइन, लाइन का मतलब ये होता है कि जिसमें आप मोबाइल से गाना बजा सकते हैं, पैड लगा सकते हैं, आर्गन लगा सकते हैं, बेंजू लगा सकते हैं, और जितना मतलब डायरेक्ट आउटपुट वाले होते हैं चीज़ वो इसमें लगाए जाते हैं, जो डायरेक्ट म्यूज़िक आता है इसमें लगाया जाता है, और जो इसे गाना माइक लगता है डायरेक्ट माइक का केबल जैक वाला इसमें लगता है। ठीक है, तो इसमें ही फ़ायदा है, जैक टू जैक दिया है, दोनों जैक दिया है। ठीक है, माइक भी जैक लगता है और ये लाइन वाला भी जैक लगता है, और कोई मिक्सर में नहीं लगता है, उसका एक XLR होता है तो एक जैक होता है। ठीक है, और ये चार आउटपुट, ठीक, लेफ्ट राइट करके चार आउटपुट दिया है। ठीक, इसमें दो मशीन, चार मशीन आउट कर सकते हैं, ये भी आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आउटपुट है तो ये आपको बता दें, ये आउटपुट ये होता है कि इसमें बेस कट जाता है, सिर्फ आपको आवाज़ आएगा, ट्रेबल आएगा और थोड़ा बहुत मीड आएगा। इसमें मॉनिटर आउटपुट है, समझ लीजिए प्रोग्राम के लिए मॉनिटर दे सकते हैं, और डीजे बजाने के लिए हॉर्न और ट्यूटर दे सकते हैं। इसमें अगर डीजे बजाना है तो ट्यूटर और हॉर्न लगा दीजिए, 250-500 वाट की मशीन लगा के, अगर आपको प्रोग्राम चलाते हैं इसमें मॉनिटर लगा दीजिए, जो मॉनिटर उसको कहते हैं जो साउंड बिल्कुल माइक के पास साउंड लगाया जाता है, जो सिंगर होता है उसके पास सामने आगे पीछे उसको मॉनिटर बोलते हैं, उसको इसमें लगाया जाता है। ठीक है, तो यही है, और इसमें तो आप कोई मशीन यूज़ कर सकते हैं जो मतलब आपको लंबा आवाज़ देना हो, बेस वगैरह जो भी आपको लगाना हो तो इसमें ऐसे आप आउट कर सकते हैं। तो यही है, इसका दो मास्टर है ये। ठीक है, तो इसको सीधा ही रखना चाहिए आवाज़ के हिसाब से, जितना आपका मशीन आवाज़ में, ये इको है, डीले है, रिवर्ब है, सेंड है, और ये इको है, और लाइए इसको बता देते हैं। देखिए, पहला नंबर का गेन है, ठीक, दूसरा बेस है, तीसरा मिड है, चौथा ट्रेबल है, पांचवा पेन है, पेन का मतलब लेफ्ट राइट, इधर करेंगे तो राइट वाला चैनल काम करेगा, इधर करेंगे तो लेफ्ट वाला काम करेगा। देखिए, इधर LR बना हुआ है ना, LR का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। ठीक, जैसे देखिए चैनल पर बना हुआ है लेफ्ट राइट, तो इधर करेंगे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट वाला यल वाला चलेगा, आर करेंगे तो राइट वाला का चलेगा। ठीक है, तो इसको बीच में रखेंगे, दोनों चैनल सेम काम करें। ये इको का है, माइक चलाएं तो इसमें लगाएं, नहीं माइक चलाएं तो इसको बंद करके रखें। ठीक है, गाना बजाएं तो इसको ना लगाएं। तो यही है भैया, ये स्लाइडर है, बहुत स्मूथ चलता है, देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल सनसन पानी जैसे चल रहा है। सबसे इसकी अच्छी बात है कि सबसे सस्ता मिक्सर है ये, लगभग 6,000-6,500-7,000 का आपको 12 चैनल का मिल जाएगा, 5-6,000 का, 5.5-6 रुपये का 8 चैनल का मिल जाएगा। दोनों को काम सेम है, बस चैनल का फर्क है कि उसमें इसमें 8 है, उसमें इसमें 12 है, उसमें 8 रहेगा। और ये हेडफोन का है तो हेडफोन का यूज नहीं करते, लेकिन कंपनी देती है सभी मॉडल में, 8 चैनल का लें या 12 चैनल का, दोनों में रहता है। ठीक है, तो यही इसका सिस्टम, यही विशेषता है। और इसमें जो केबल है लाइन का, तो देखिए इसे दिया है अलग से इसका चार्जर दिया रहता है, उसी को लगाना पड़ता है। ठीक है, एडाप्टर चार्जर होता है, और ऑन ऑफ की बटन है, और थोड़ा हैवी है, लगभग 6-7 किलो का हो, 10 किलो का होगा, लगभग 10 किलो का इसका ये मॉडल है, SM120E। ये देखिए सीरियल नंबर है, जो कि ज़रूरी है सीरियल नंबर, ये देखिए ओरिजिनल का पहचान, देखिए ये रहना चाहिए। ठीक है, ये रहना चाहिए ओरिजिनल का, यही पहचान होता है, स्टेंजर करके मॉडल नंबर इस पर मेंशन रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, और ये रहा इसका कुछ ऐसी चीज़ जो बेसिक चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ स्टेंजर का ब्रांडिंग रहेगी, देखिए स्टेंजर लिखा हुआ है, और ये फाइबर में आता है। ठीक है, तो यही है, जो भी है बहुत अच्छा मिक्सर है, और सभी डीजे वाले चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जिस भी मिक्सर का, जिस भी साउंड, जिस भी मशीन का, तो कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए भैया ये वीडियो, और स्टूडियो से रिलेटेड भी मिलेगा, और आपको इस पर
पबजी वगैरह का जो माइक वाइक होता है सेटअप, गेमिंग माइक और गेमिंग की वीडियो भी इस पर मिलेगी। तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। धन्यवाद। विकास डीजे ब्लॉग में आपका स्वागत है। धन्यवाद।